दोस्तों नमस्कार, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का ये फर्स्ट वैल्यूम पहले ही अपलोड कर दिया गया था। ये सेकंड वैल्यूम है जो कि परीक्षा जो है 14/4/2010 को ये पूछा गया था, जो कि प्रीवियस ईयर है। 100 क्वेश्चंस का ये सेशन चलता है, जो कि 50 क्वेश्चन पहले में और 50 क्वेश्चन दूसरा में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे की ओर। 51 है, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो कि कलकत्ता हजीरा को। देखिए राजमार्गों में कोलकाता हजीरा सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। और उसके बाद 1945 में नागपुर योजना द्वारा बनाई गई सड़क परिवहन से संबंधित है यह। नागपुर योजना रोड मैप योजना है जिससे देश के सड़क परिवहन की रूपरेखा तैयार किया जाता है। देखिए भारत में NH देश की कुल सड़क लंबाई का 2% है, जो सड़क परिवहन द्वारा 40% यातायात संपन्न कराई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो दोस्तों 68.7 पूर्व और से और 97.25 डिग्री पूर्व तक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व से और 97.25 डिग्री पूर्व तक है। यह गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि उसका है 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। और देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये देखे तो उसकी लंबाई की चौड़ाई की, तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक का 2933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीप की संख्या है। तो लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीप की जो संख्या है दोस्तों वो 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में 10 द्वीप पर एक ही आबादी है। कितना पर? 10 द्वीप पर ही आबादी है, बाकी 36 जो है उसमें से 26 पे आबादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? तो कौन सा अरब सागर में स्थित नहीं है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जो कि 1 और 3, जो कि श्रीहरिकोटा और भटकल द्वीप जो है अरब सागर में नहीं है। देखिए हरिकोटा और भटकल अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। हरिकोटा और भटकल द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। श्रीहरिकोटा भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। एलिफेंटा गुफा अरब सागर में स्थित है, जहाँ राष्ट्रकूट कलाकृतियाँ बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो 55 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी आना सागर से निकलती है और लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी नमकीन नदी है। बरी, सुकरी, मिठरी आदि इसकी सहायक नदी है। लूनी नदी थार मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि B.R. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु भारत का विधि विधाता का प्रथम ज्ञाता थे। मनु हिंदू कानून का प्रथम ज्ञाता थे। आज भी हिंदू कानून आधार मनुस्मृति पर है। संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समितियां बनाई गई, जिसमें से 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसी कारण संविधान का जनक भी माना जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना मनु से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो कौन सा होता है? तो 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि राज्यपाल। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद अनुच्छेद 153 के अधीन गठित किया जाता है। राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 155 अनुच्छेद के अनुसार। राज्य शासन का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है।
क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, किस प्रकार की। 58 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि उपयुक्त दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति पर कानून कर अति संपत्ति पर कर मुक्त का प्रावधान है दोस्तों। अनुच्छेद 28 में है, राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्था पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकार धार्मिक मामलों में तटस्थ नहीं बल्कि भेदभाव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा, भारत में नागरिकता सभी संबंधी विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त है, किसे है। 59 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि संसद को है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार संसद के पास है। नागरिकता संबंधी विधान संसद 1956, 1986, 1992, 2003 और 2015 में बनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद के नागरिकता संबंधी कानून का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, तो किस अनुच्छेद में। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि 48 के क में है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। अनुच्छेद 48 क में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 में राज्य सरकार के कृषि के उन्नति, दुधारू एवं भारवाहक पशु का संरक्षण एवं संवर्धन से है। अनुच्छेद 47 राज्य सरकार को पोषाहार स्तर, जीवर स्तर की ऊंचाई करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का दिशा निर्देशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद से उल्लिखित है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है, जो कि अनुच्छेद 326। देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में उल्लिखित है। भारत में गुप्त व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था है। मूल संविधान में व्यक्ति मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा व्यक्ति मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में कर दिया गया। चुनाव आयोग का गठन 324 अनुच्छेद द्वारा किया जाता है और 325 के अधीन चुनाव आयोग चुनाव का समय, कर्म चूरी बंद और उसके नियंत्रण का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, सॉरी दोस्तों, पहले 62 देखना पड़ेगा। 62 कह रहा है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए, 62 कह रहा है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का उपबंध है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए 5 प्रकार का रिट निकाल सकती है। ये 5 प्रकार का रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पिस्ता, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्राप्त होती है अनुच्छेद जो कि 13, 251 और 254, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, 63 में है, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान अनुच्छेद 13, 251, 254 में न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक पर सीमा तथा शून्य किया जा सकता है, जिस सीमा में वह मौलिक अधिकार का हनन हो। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 137 के अधीन अपने द्वारा दिए गए निर्णय और संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकता है। यदि वह
विधि संपन्न नहीं है तो उसे रद्द भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का महानिवादी की नियुक्ति कौन करता है? 64 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि राष्ट्रपति। भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। महानिवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद में रहता है। महानिवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो 65 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि B.R. अंबेडकर। भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। चक्रवर्ती गोपालाचार्य स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। B.N. राव संविधान सभा का सलाहकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 66, भारत एक है, तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में यह बात कहा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। D.D. बासु ने एकात्मक और संघातात्मक का मिश्रण कहा संविधान को। उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के परिसंघात्मक कहा है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार साधारण स्थिति में संघात्मक और असाधारण स्थिति में भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राय, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यह उसका जो है अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर राज्यपाल का होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रधान होता है। उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 68 क्या कर रहा है? 68 कह रहा है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो दोस्तों लोकसभा के प्रति, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं। संसद सामूहिक रूप से जनता के प्रति जिम्मेवार होता है। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यसभा राज्य के प्रतिनिधि सभा और राज्य के की सभा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 वर्ष का है। भारत का राष्ट्रपति जो कि 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, और भारत के 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है, उससे पहले उसे चुनाव करवाना पड़ता है। राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा द्वितीय चक्र में मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि समाजवादी धर्म, निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए। अब तक प्रस्तावना में केवल 1 बार 1976 में संशोधित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक खड़े बालक के सामने तेजी गति से रेल को गुजरने पर बालक क्या होगा? तो 71 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि गाड़ी की ओर गिर सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने से तेजी गति से रेलगाड़ी गुजरने से बालक की गाड़ी की ओर गिर सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेजी से गति रेलगाड़ी गुजरने पर उसका स्थान का दबाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिस कारण बालक के संतुलन खो देता है और वह गिर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारण नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि क्यों नहीं होते? 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि वायु के सिग्नल अवशेषित हो जाते हैं। देखिए, टेलीविजन का सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं।
टेलीविजन का सिग्नल उसी स्थान तक प्राप्त हो जाते हैं जहां वायु अवशोषित नहीं होता। टेलीविजन, रेडियो आदि संचार आयनन मंडल में होते हैं। समताप मंडल में शांत मंडल आदर्श मंडल भी कहा जाता है। समताप वायु के लिए आदर्श मंडल होता है जहाँ वायुयान उड़ाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का है, वर्षा की बूंदें गोले होने का कारण है क्या है? 73 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जल की पृष्ठीय तनाव। देखिए, वर्षा की बूंदें गोले होने का प्रमुख कारण है जल का पृष्ठीय तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ को कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। द्रव पर ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठीय तनाव शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश डैट से इंद्रधनुष बनती है किससे? तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, जल की छोटी छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। 75 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? किसके अनुपात में? 76 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरने के समय का वर्ग। देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गुरुत्व के कारण समय का वर्ग अनुपात होता है। किसी वस्तु वेग के बराबर समान अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण एक समान कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसका विस्थापन का परिमाण है कितना है? 77 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, उसका आयतन समान है तो उसका धनत्व कितना अनुपात होगा? तो 78 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, 1:4 हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति एक और मात्रक अश्व शक्ति है। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? किस कौन सी घटना? 80 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ध्रुवन। ध्रुवन घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। ध्रुवन घटना प्रकाश के पारदर्शिता की जा सकती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। अब क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, शूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रक्रम से? 81 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आसवन से। देखिए, शूरा से शुद्ध अल्कोहल आसवन प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है उसके मिश्रण को आसवन विधि में से पृथक करते हैं। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। शराब भिन्न भिन्न पदार्थों का क्यूमन से बनाई जाती है। बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है और रम में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध के खट्टापन आ जाता है जिस कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाता है? तो किसका बन जाता है? 82 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि लैक्टिक अम्ल। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध का खट्टापन आ जाता है जिसका कारण लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलयों से अविलेय होता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, कांच में के फ्लक्स में
भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो 83 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा पश्चात प्रारंभ में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 84 का है, जल में सर्वाधिक मात्रा में साधारण पाए जाने वाला पदार्थ लवण है। साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है। नदी तालाब झील के जल में समुद्री जल अधिक लवण की मात्रा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 का रहा है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने पदार्थ है क्या है? तो इसका ही आंसर अभी क्वेश्चन का बताए हैं, ये साधारण लवण, साधारण जल में सर्वाधिक मात्रा में साधारण लवण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। तो प्रोड्यूसर गैस साधारण रूप से निर्मित जो होती है वो होता है CO+N2 से, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक CO+N2 से निर्मित है। प्रोड्यूसर गैस में N2 70% CO 25% होता है। क्वेश्चन नंबर 86, डोलेमाइट अयस्क है। तो डोलेमाइट अयस्क दो होगा दोस्तों, मैग्नीशियम का, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डोलेमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। देखिए मैग्नेसाइट का होता है MgCO3, इप्सम लवण का होता है MgSO4.7H2O। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? 87 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिए पानी का भाप में बदलना भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया पुनः मूल रूप में पदार्थ नहीं आ पाता, भौतिक क्रिया में पदार्थ पुनः मूल रूप में आ पाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है कितना होता है? 88 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमेशा 7 बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में भिन्न होता है? किस में होता है? 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या में। देखिए 89 में कह रहा है, एक तत्व का समस्थानिक न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसमें सबसे अधिक समस्थानियों वाला तत्व पोलोनियम है। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में कार्बन हाइड्रोक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है? तो 90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। जीवाश्म ईंधन का मुक्त CO2 गैस उत्सर्जित करता है। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना जाता है। ठोस वर्फ CO2 गैस है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? तो 91 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें जो शब्द जुड़े होते हैं। देखिए द्विनाम पद्धति जीव का वैज्ञानिक नामकरण है। कैरोल लिनियस का वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिसे द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस है। द्विनाम पद्धति प्रत्येक जीवधारी का लैटिन भाषा में दो शब्द से मिलकर बना होता है, पहला वंश दूसरा जाति का नाम। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चुकंदर का केंद्र विलगन जो है विलगन केंद्र में पादक रोग के कमी के कारण होता है। देखिए 92 कह रहा है, चुकंदर का केंद्र विलगन खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का हार्ट रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। और नींबू में लिटिम लीफ रोग तांबा की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, 93 ये कह रहा है कि लीवर वर्ट जो है दोस्तों, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऐसा स्थलीय भूमि पादक जिसमें जड़ तना पत्तियों का विभेदन नहीं होता है, इसे लीवर वर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, पैंक्रियास मेढक में पाई जाती है। पैंक्रियास जो है मेढक में कहाँ पाई जाती है? 94 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, जो कि गुर्दे के बीच, सॉरी दोस्तों ये सी नहीं टिक लगा, सी होगा, जो कि अमाशय तथा ड्यूओ
डीनम के बीच होती है। देखिए पेंक्रियाज मेढक अमाशय तथा डीओओडीनम के बीच पाई जाती है। मेढक एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 करा मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं कौन सा। 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है। देखिए 95 कह रहा है कि एंडोस्टीडियम हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अस्थि और ठोस कठोर मजबूत संयोजक उत्तक होते हैं, ठीक है। और देखिए 96 कह रहा है, अब 96 कह रहा है एंडोस्टियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि हड्डियों के आंतरिक भाग में। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि मीजोडर्म कोशा में पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है। देखिए पेशीय उत्तक की उत्पत्ति मीजोडर्म कोशा में होती है। इस अध्ययन को आयतिक कहलाता है जो कि उत्तकों का अध्ययन को औतिकी कहलाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं के प्राणी कोशिकाओं में पहचाना जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और प्राणी कोशिकाओं में पहचाना जाता है अंतर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है। तो किसका घटक है, 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हरित लवक का। ग्रैना हरित लवक का घटक है। प्रकाश रासायनिक क्रिया फ्लोरोप्लास्ट में ग्रैना भाग में संपन्न होता है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है। कैल्सीभूत उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो 100 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि सुप्रा स्कैपुला में। देखिए कैल्सीभूत उपस्थिति जो है सुप्रा स्कैपुला में पाया जाता है, ठीक है। उपास्थिति का निर्माण कंकाली संयोजकों उत्तक से होता है। उपास्थिति भी एक प्रकार का संयोजक उत्तक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों इसका PDF डाउनलोड डिस्क्रिप्शन कर लीजिएगा और लिंक वैल्यू 1 का भी दिया रहेगा, ठीक है। कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट करके। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में PDF देखकर अपना जो है पूरा कर लीजिएगा जो जैसे समस्या होगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।